हाँ जी फरमाइए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फरमाइए क्या बात है? मैं अंशदान अगर अपना उनका सही है, क्योंकि अगर हम कोई फिल्म देख रहे होंगे के ठीक से क्या मुझे नहीं पता, आवाज़ की समझ आ रही है बिल्कुल ना, बताएं क्या कहता है, कोई तर्जमा करे, गूंगे की माँ गूंगे की जुबान समझती है। हाँ हाँ बोलो, आस्था तहमल से बोलो। अगर हम कोई फिल्म देख रहे हैं मतलब के कोई फिल्म अच्छी लगी हो मतलब के बच्चों के लिए और नमाज का टाइम हो जाए तो फिल्म छोड़कर नमाज पे जाना चाहिए? नहीं, अगर मतलब की फिल्म ख़त्म होने वाली और नमाज में थोड़ा टाइम रहते हो के कहते हैं कि उड़ जाओ अजान हो गई। देखो बात बिल्कुल खुली है, अगर फिल्म देखने के दौरान नमाज की रकतें मिस होती हों तो फिर लाजिम है कि फिल्म की कौड़ी कौड़ी की भी परवाह ना करो, ख़त्म होने वाली हो या ना ख़त्म होने वाली हो। लेकिन अगर नमाज का वैसे वक्त खुला वक्त है तो फिल्म ख़त्म करने में कोई हर्ज नहीं। मतलब कि शाह की नमाज तो लेट पड़ी जाए तो अच्छी होती है ना, तो उसका बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बात साफ बता रहा हूँ, जिन नमाजों में खुला वक्त हो मतलब एक घंटे का वक्त है, उसमें अगर नमाज लेट ना हो और फिल्म ख़त्म हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, फिल्म ख़त्म करके तसली से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर नमाज लेट होने का ख़तरा हो फिर फिल्म छोड़ दो, समझे? ज़रूरे महबिये आखिर ज़मान।